जीवन जादव का लगातार दौरा चल रहा है और वैसे वैसे जगह पर जा रहे हैं जहां तक आज तक कोई नेता नहीं पहुंच सका है, बहुत इंटीरियर इलाके में जा रहे हैं। जीवन जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे आपने भी अभी कहा है कि ये गाना बजाना ये सब सिंगर रह करके जाने से कुछ नहीं होगा, जहाँ जाना है लोगों को वो लोग चले जाएंगे। कोई बात नहीं, हम तो वहाँ कलाकार को प्रोत्साहित कर रहे थे, उनसे वोट थोड़े मंगवा रहे हैं। कलाकार का काम है जनता का मनोरंजन करना, जो कर रहे हैं उनको मान सम्मान देना हमारा काम है, हम कर रहे हैं। और रही बात वोट की बात, तो वोट वो लोग मांगते हैं जिन्हें 5 साल में एक बार आना है। मैं तो जनता के बीच हूँ, जनता का सेवक हूँ, सेवा करता रहूँगा निरंतर। जनता से अपील कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ के कि भाई आप देख लीजिए, योग्य व्यक्ति को ही आप सिवान का सांसद बनाइए, जो योग्य आपके नज़र में है आप मुझे सेलेक्ट कीजिए। और प्रयास कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो सिवान को ठगने का काम किया है, जो सिवान को ठगने का काम किया है, उसे अगर आप कुर्सी देते हैं तो फिर से ठगने का काम करेगा। अब वही लोग ठगते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं कि मैं 4 लाख से जीत रहा हूँ, मैं 40 लाख से जीत रहा हूँ, मैं 50 लाख से जीतता हूँ, ये क्यों कहते हैं? जनता मालिक नहीं है क्या? जनता मालिक नहीं है, उनके नज़र में जनता का कोई मोल नहीं है, तभी ना जीत से चुनाव से पहले ही जीत घोषित कर देते हैं। हम तो कहते हैं 25 मई को जनता तय करेगी ना कि सिवान का जो MP होगा कौन होगा, सिवान का बागडोर किसके हाथ में जाएगा, जो विकासशील होगा विकास का काम करेगा, सिवान के जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। सभी लोग अपने अपने समीकरण को दिखा रहे हैं कि ये जाति का वोट वो जाति का वोट मिला करके हम 3 लाख से जीत रहे हैं, तो कोई कह रहा है ये मिला करके हम 2 लाख से जीत रहे हैं। जीवन जादो कौन कौन से समीकरण से कितने उनसे पूछ सकते हैं? हाँ, बताइए कि आप जो जाति की बात कर रहे हैं उनका काम कौन करता है, उनकी सेवा कौन करता है, उनके बीच कौन रहता है? आप सिर्फ जाति जाति करिएगा, और जब उन पर मुसीबत पड़ेगा तो आप उनको कहिएगा कि हम हमारी जाति के उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जाति की बात करने वाले लोगों को मुलाकात ही नहीं हो पाएगा। देखिए जुमलेबाजी है, ये सच्चाई यही है कि कोई समीकरण इस बार सिवान में काम नहीं कर रहा है, कोई समीकरण काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही समीकरण काम करेगा। कमुआ बोला था जनता को एक सेवक चाहिए, जनता को एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो सिवान का बागडोर लेके दिल्ली के बीच में एक समानांतर व्यवस्था बना के सिवान की सर्वांगीण विकास का काम करे, सिवान की जरूरतों को पूरा करे, सिवान के जो अभिभावक हैं, जो युवा है, युवा बहनें हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी का बनाने का काम करे, उनके लिए बहुत सारा ऐसा काम करे जो सिवान को चाहिए। सिर्फ जुमलेबाज नेता सिवान को नहीं चाहिए कि जब चुनाव पड़े चले आए और 4 लाइन बोले वोट लिए चले गए, ऐसा नहीं। हर बार चुनाव होता था विकल्प नहीं रहता था, इस बार का वैकल्पिक व्यवस्था जीवन यादव लेके आए हैं। सिवान की जनता से अनुरोध करेंगे और विश्वास भी मुझे कि इस बार वैकल्पिक व्यवस्था में मैं हूँ और मैं चुनाव जीतूंगा। 25 मई को चुनाव में वोटिंग भी होगा, 4 को मैं चुनाव जीतूंगा भी और सिवान के जो संकल्प है उसे पूरा भी करूंगा। इन्हें साहब को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उनको लोग बता रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा भारी है और स्वर्ण समाज से लेकर के तमाम समीकरण उनके साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। वो हर बार चुनाव जीतती हैं, हर बार चुनाव जीतती हैं, 3 टर्म से हम भी देखे हैं, 4th टर्म में भी हम देख लेंगे। इस बार तो हम खुद प्रत्याशी हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि भगवान भला करे, सबका भला करे, लेकिन सिवान का बागडोर उसी के हाथ में जनता दे जो सिवान के विकास के लिए सोचता हो, सिवान के सर्वांगीण विकास के लिए सोचता हो, सिवान को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का काम करे जहां ज़रूरत है सिवान का, वहां ना पहुंचाए जहां सिवान है। सिवान कहां है और किसके बदौलत यहां तक रुका हुआ है सबको पता है कि सिवान को किसने ठगने का काम किया है, कि सिवान को किसने बर्बाद करने का काम किया है। मैं तो यही सपना लेके उतरा हूं कि सिवान को मजबूत करूंगा और वहां दिल्ली में बैठ के देश को भी मजबूत करने का काम करूंगा। देश और सिवान, दिल्ली और सिवान को जोड़ के मैं देश का, राष्ट्र का, मैं जो हित में काम होगा वो करने का काम करूंगा। एक सवाल करेंगे और कि यादव समाज कहाँ रहेंगे, जीवन यादव के साथ और भी आदि चौधरी के साथ? ये तो यादव समाज के लोग तय करेंगे ना, जनता तय, यादव समाज तय करेगा ना कि वोट हम 25 मई को किससे देंगे। हम कैसे तय कर सकते हैं कि यादव समाज, यादव समाज एक, आप पहले सुनते थे कि लाठीमार जात है, लेकिन अब नहीं है, शिक्षित हो चुका है यादव समाज। आज शिक्षित लोग जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, किसको वोट देंगे तो काम करेगा, कौन खड़ा रहेगा, कौन मेरे बीच रहेगा और कौन प्रोटोकॉल में रहेगा। नमस्कार। चलो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जीवन यादव है, उनसे बातचीत हुई है, सीधे तौर पर उनका कहना है कि 25 तारीख को आने दीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा, रिजल्ट जब सामने आएगा 4 जून को। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, चक्री, दरौली, सिवान।